हेलो दोस्तों, हम परसेंटेज का वर्कशीट 3 बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। चलिए वो बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? सपोज डेट 100 रुपया सीपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितना हमें खरीदे हैं। हम लोग इसको क्या बेच सकते हैं? 80 में भी बेच सकते हैं कुछ खराबी होने के कारण, या कुछ प्रॉफिट 120 में भी बेच सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों एसपी हो सकता है, चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दोस्तों इसमें देखिए, आप 100 में खरीद के 80 में बेच रहे हैं, इसमें लॉस हो रहा, तो लॉस कितना हो रहा है? 20। इसमें देखिए 100 में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें 100 में खरीदे 120 में बेच रहे हैं, इसमें प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट कितना हो रहा दोस्तों? 20 हो रहा। अब यहाँ से ये फॉर्मूला निकला, लॉस इक्वल टू, जब भी लॉस निकलेगा ना तो सीपी, सीपी बड़ा है एसपी से, तो सीपी माइनस एसपी बनता है। आपको ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ कैसे आखिर फॉर्मूला होता है। और प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट जब भी होगा तो एसपी बड़ा होगा, किससे? सीपी से। एक ये फॉर्मूला बना। अब इस दोनों फार्मूला से और भी फॉर्मूला बनता है। देखिए यहाँ से हम लोग अगर सीपी बराबर निकालेंगे तो एसपी प्लस लॉस होता है। एक और फॉर्मूला बना इससे, कैसे? सीपी को इधर रखे, इसको उधर भेज देंगे, आप अलजेब्रा पढ़े होंगे। उसके बाद अगर एसपी को इधर रखेंगे तो सीपी माइनस लॉस होगा। ये तीन फॉर्मूला ये बनता है इससे। उसी प्रकार से यहाँ भी एसपी रखेंगे तो सीपी प्लस प्रॉफिट, पी लिख देता हूँ दोस्तों, और सीपी लिखेंगे ये वाला, एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। ये कितना बना दिए? 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला बना दिए। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है दोस्तों, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एल, तो लॉस बाय तब भी सीपी ही होता है इंटू 100। मतलब परसेंट प्रॉफिट का निकालिए या लॉस का निकालिए, नीचे में हमेशा सीपी ही होगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे कर लीजिए, फिर से एक बार देखिए। आपको ये अगर समझना है किसी तरह, अगर समझ गए तो आपको एक भी फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं होगा, और फॉर्मूला भी रटना नहीं पड़ेगा। मैं समझाया यहाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर वन का फाइन गेन और लॉस परसेंट निकालना है दोस्तों। सीपी दिया हुआ कितना? 900, और एसपी है कितना दोस्तों? 1080 दोस्तों। वो एसपी बड़ा है तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, इसलिए कितना हो जाएगा? एसपी कितना है? 1080 माइनस 900, तो यहाँ घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग को निकालना है तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये मैंने फार्मूला बताया था अभी जस्ट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितना होता है? 180। कितना मतलब दोस्तों? तो सीपी, सीपी कितना है? 900 इंटू 100, तो 100 से ये 00 कट गया, 92 जा, तो हो गया 20% प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट इक्वल टू 20% दोस्तों। प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, गेन भी लिख सकते हैं। नंबर बी बता रहा हूँ, ये ए बताया था दोस्तों। यहाँ देखिए सीपी है 2400, एसपी है 2200, इसका मतलब इसमें लॉस हो रहा। तो लॉस का मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, लॉस का होता है क्या? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है? 2400, एसपी है 2250, तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 150। अब हम लोग निकालना है लॉस परसेंट, तो यहाँ भी होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100 दोस्तों। हमेशा नीचे में सीपी होता है, तो लॉस कितना हो रहा है? 150। सीपी कितना है दोस्तों? तो सीपी है 2400 इंटू 100, तो ये 00 से 00 कटा दोस्तों। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो ये कई बार में चलेगा? 6 बार में, 6 × 1/4% मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। नेक्स्ट है सी नंबर बता रहा हूँ। सीपी है 750, एसपी है 870, इसमें दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है फिर, तो यहाँ बताए थे एसपी माइनस सीपी, एसपी है 850 माइनस सीपी है 750, तो यहाँ हो रहा 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है।
तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बाय हंड्रेड, प्रॉफिट कितना हो रहा है हंड्रेड बाय हंड्रेड, सॉरी हंड्रेड बाय सीपी, सीपी कितना है तो 750 और इंटू 100। दोस्तों यहां से एक जीरो कट गया, यहां कितना 25 से कटाएंगे तो 25 फोर जा 25 थ्री जा, तो 10 फोर जा 40 बाय थ्री, तो थ्री वन जा थ्री, फिर थ्री थ्री जा 9 वन बाय थ्री, इतना परसेंट आया मिक्स फ्रैक्शन में। उसके बाद डी नंबर यहां बता रहा हूं, सीपी है वन कितना तो 10,200 और एसपी है 8,000, इसमें फिर क्या हो रहा लॉस हो रहा, तो लॉस इक्वल टू होता सीपी माइनस एसपी, सीपी है 10,200 माइनस 8,670। दोस्तों यहाँ जीरो में जीरो कटेंगे तो जीरो, टेन में सेवन कटेंगे तो थ्री, यहाँ बचेगा एलेवन, क्योंकि यहाँ क्या लेंगे एलेवन में सिक्स कटेंगे तो छप्पन का फाइव, और यहाँ वन क्योंकि यहाँ टेन में कैरी दिए थे, इतना हो गया ये लॉस निकला, तो लॉस परसेंट बराबर निकालेंगे तो लॉस बाय सीपी, सीपी कितना है टेन इतना इंटू हंड्रेड परसेंट, तो यहाँ जीरो से जीरो कट गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ कटेगा और दोस्तों ये देखिए 15 बार में कट रहा है, 15 टू जा 30 का जीरो के लिए थ्री और 15 जा 15, तो हो जाएगा हम लोग का 15% लॉस। समझ में आया होगा, नेक्स्ट बनाना है, नेक्स्ट बनाना दोस्तों अ शॉपकीपर बाय 30 चॉकलेट बार एट 15 इच, तो यहाँ सॉरी कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा, तो 30 चॉकलेट है और प्रत्येक का 15 रुपया, तो 15 थ्री जा 45, तो कॉस्ट प्राइस उसका हो गया 450, और सोल्ड एसपी जो है दोस्तों कितना है 525, तो फाइन प्रॉफिट परसेंट। दोस्तों यहाँ देखिए प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उठाता है क्या एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी, एसपी है 525 माइनस 450, इसलिए हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा 5 4 यहाँ 5 में 0 गया 5, 12 में 5 गया 7, 3 में 5 में 5 गया तो 75, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये 0 0 कट गया तो 5 से कटेगा दोस्तों यहाँ, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा, फिर इससे 3 से कटेगा दोस्तों, तो कट के कितना आ जाएगा 16 पूर्णांक 2 बाय 3%। उसके बाद 3 नंबर बना रहे हैं, अ मैन बाय अ रेडियो सेट फॉर 900, तो सॉरी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोस्तों 900, सेल इट फॉर कितना दोस्तों एसपी हो जाएगा 972, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। दोस्तों यहाँ 900 में का 972 में बेच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है इसको, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना 972 माइनस सीपी 900, इसलिए 72 प्रॉफिट हो रहा है उसको, अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 72 बाय सीपी, सीपी हमेशा देते हैं इनटू, तो यहाँ डबल जीरो से कट जाएगा, उसके बाद 8% हो जाएगा, 8 नंबर कट जाएगा प्रॉफिट हो रहा है 8%। उसके बाद 4 नंबर बता रहा हूँ, नेक्स्ट है दोस्तों मिस्टर गुप्ता परचेज अ हाउस फॉर 250,000 एंड स्पेंड 550,000 ऑन रिपेयर। दोस्तों इसका मतलब सीपी जो होता है ना टोटल होता है, ये दोनों ऐड होगा 250,000 प्लस 50,000, तो दोस्तों ये टोटल कितना हो जाएगा 300,000, मतलब 300,000 वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब जो एडिशनल खर्चा कीजिएगा वो इसी में ऐड होता है सीपी में। इफ़ ही सेल और उसे बेचा कितना में 400,000 में, तो दोस्तों इसमें लग रहा है ऐसे ही, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी, तो 400,000 में खरीदा 300,000 में बेच रहा है, तो 100,000 क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है दोस्तों, अब ये कर लीजिएगा थोड़ा, मैं यहाँ जगह कम है तो फास्ट कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बाय सी पी, सी पी है 300,000 इंटू 100, तो ये 3 0 से यहाँ पे 3 0, 1 0 एक जीरो, एक जीरो यहाँ से हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ क्या आ गया हम लोग का 100 बाय 3, इसलिए यहाँ भी छोड़ सकते हैं परसेंट,
प्रॉफिट हो रहा है, या इसको डिवाइड करेंगे तो 333 पुनः 1/3%। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।